हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूं के आटे से बनी बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी और टेस्टी पपड़ी की रेसिपी। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते में चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। पपड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, जो कि हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल हम मोइन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। साथ ही 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे कि हमारी पपड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर डालेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब देख सकते हैं हमारे आटे में मोइन अच्छे से लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सख्त आटा गूंद के तैयार करेंगे। ज्यादा पानी एक साथ ना डालें। आप देख सकते हैं मैंने सख्त आटा गूंद के तैयार कर लिया है। तो अब 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 पार्ट को लेकर लोई बना लेंगे। देखिए मैंने लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम इसे बेल लेंगे। लोई पर मैंने तेल लगा लिया था, आप चाहे तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं। जितना हो सके उतना पतला इसे बेल के तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही पतला बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें फोक की मदद से होल कर लेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है, वरना जब हम पपड़िया को फ्राई करेंगे तो ये सारी फूलकर सॉफ्ट हो जाएंगी। अब हम ग्लास की मदद से सारी पपड़िया बना लेंगे। बचे हुए आटे को निकालकर दूसरी पपड़ी बनाने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से हम सारी पपड़ियों को बेल के तैयार कर लेंगे। तो पपड़ी को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए हमारी सारी पपड़ियों को फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम ही रखें। पलटते पलटते दोनों तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी पपड़ी में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी सारी पपड़ियों को भी फ्राई कर लेंगे।
तो तैयार है हमारी गेहूं के आटे से बनी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता पपड़ी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। साथ ही रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर क्लिक करना, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे।